नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो टीडीएस रोल आउट से पहले इंडिया देगा स्पष्टीकरण। स्टडी के मुताबिक 2021 में क्रिप्टो गेन के मामले में टर्की वियतनाम से पीछे रहा इंडिया। लिबर्टी सिटी वेंचर्स द्वारा लीड $300 मिलियन की फंडिंग राउंड को वन फुटबॉल ने किया क्लोज। मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक मार्केट पुलबैक के बावजूद बढ़ा क्रिप्टो का क्रेज। पैटर्ड बिटकॉइन माइनर्स तेजी से डेट फाइनेंसिंग की ओर कर रहे हैं रुख। क्रिप्टो करेंसी में देखने मिला उतार चढ़ाव। बिटकॉइन ने किया $39,000 के करीब ट्रेड। गोल्डमैन सैक्स रियल एसेट्स के टोकनाइजेशन को कर रहा है इवैल्यूएट। प्रोसेस में शामिल ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस को लागू करने से पहले प्रोसीजरल क्लैरिटीज प्रदान करेगी। इंडिया ने एक्सचेंजेस के माध्यम से सभी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया है। एक्सपर्ट्स इस कदम को सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मानते हैं। टैक्स प्रोविजन को लागू करने में शामिल कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, जिसे सरकार अभी तक स्पष्ट करने में विफल रही है, ऐसे में कुछ एक्सचेंजेस कानून के खिलाफ कानूनी चुनौतियों पर भी विचार कर रहे हैं। टीडीएस डिजिटल करेंसीज में ट्रेड से हुए इनकम पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स से ऊपर लगाया जा रहा है। प्रोसीजरल क्लैरिटीज का तात्पर्य है कि टीडीएस की गणना कैसे की जाए और एक्सचेंजेस सरकार के साथ डेटा कैसे शेयर करेगा। वही टीडीएस की गणना ट्रांजेक्शन वैल्यू के 1% पर की जाएगी। इंडस्ट्री दो मेजर पॉइंट्स पर क्लैरिटी की मांग कर रही है, जो ट्रेडिंग और स्वैप्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDAs है। VDAs सभी क्रिप्टो करेंसी और NFT के लिए भारत सरकार की टर्मिनोलॉजी है। 2021 में जिस साल बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज ने रिकॉर्ड स्तर देखा, वही भारत में इन्वेस्टर्स उछाल का फायदा उठाने में विफल रहे। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि 2020 में सिर्फ $32.5 बिलियन की तुलना में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को 2021 में टोटल $162.7 बिलियन का फायदा हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स $49.95 बिलियन के एस्टिमेटेड रियलाइज गेन के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम UK $8.16 बिलियन के एस्टिमेटेड रियलाइज गेन्स के साथ है। वही डेटा के मुताबिक एस्टिमेटेड रियलाइज गेन्स में टॉप 5 देशों में जर्मनी $5.82 बिलियन, जापान $5.51 बिलियन और चाइना $5.06 बिलियन के नाम भी शामिल थे। वही टर्की $4.6 अरब के साथ छठे स्थान पर रहे और वियतनाम $2.7 अरब के साथ 16वें स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉकर फोकस मीडिया प्लेटफॉर्म वन फुटबॉल ने कहा कि उसने ब्लॉकचेन फंड लिबर्टी सिटी वेंचर्स की लीड में $300 मिलियन जुटाए हैं, क्योंकि कंपनी वेब 3 स्पेस में बढ़ने की तलाश में है। वन फुटबॉल लैब्स का उद्देश्य फुटबॉल क्लब्स, लीग्स, फेडरेशंस और प्लेयर्स को ब्लॉकचेन पर न्यू डिजिटल फैन एक्सपीरियंसेस बनाने में सक्षम बनाना है। कंपनी ने वेब 3 में अपने विस्तार में तेजी लाने के लिए एनिमिका ब्रांड्स और लिबर्टी सिटी वेंचर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर वन फुटबॉल लैब्स के गठन की भी घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि जुटाई गई धनराशि बर्लिन स्थित कंपनी के साथ साथ नई वन फुटबॉल लैब्स के लिए चल रहे विस्तार का समर्थन करेगी। बता दें कि लिबर्टी सिटी वेंचर्स और हांगकांग स्थित गेमिंग प्लेटफॉर्म एनिमिका ब्रांड्स के साथ एक जॉइंट वेंचर है। मॉर्गन स्टेनली ने इस हफ्ते के एक नोट में कहा कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक स्टिमुलस के कारण क्रिप्टो करेंसीज ने रिस्क एसेट्स की तरह ट्रेड किया, लेकिन फेडरल रिजर्व की सख्त नीति लिक्विडिटी ड्राइवन क्रिप्टो मोमेंटम ट्रेड फ्लिप हो गया है। बिटकॉइन की कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद बैंक ने दावा किया है कि डिजिटल एसेट्स का जनरेशन अभी भी हाई है। पिछले हफ्ते में 100 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स बनाई गई है, जिसमें ज्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर है। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डिफाई के यूजर्स इथेर की कीमतों के साथ तेजी से बढ़े हैं। डिफाई का मतलब लेंडिंग, ट्रेडिंग और अन्य वित्तीय लेन देन है, जो ट्रेडिशनल मिडल मैन के इस्तेमाल के बिना ब्लॉकचेन पर होता है।
बिटकॉइन की कम कीमतों, बढ़ती नेटवर्क हैश रेट और ब्रूटल कंपटीशन के मात्रा में कैपिटल के एक्सेस तक उन माइनर्स के लिए कुछ हद तक प्रतिबंधित हो गई है जिन्हें कॉम्पिटिटिव बने रहने और बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट के अनुसार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले क्रिप्टो माइनर्स के लिए, जिनके शेयर्स में इस साल क्रिप्टो और व्यापक इक्विटी मार्केट के महत्वपूर्ण सेल ऑफ्स देखी गई। इक्विटी के माध्यम से फंड्स जुटाने के लिए डेट फाइनेंसिंग एक पसंदीदा साधन के रूप में उभरा है। जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होता है, इन्वेस्टर्स द्वारा डेट कैपिटल को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी नॉन डायलेटिव नेचर को देखते हुए, जहां मौजूदा बाजार में इक्विटी की पेशकश अक्सर माइनस के शेयर की कीमत के प्रति काइंड नहीं होती है। हाल ही में पब्लिक लिस्टेड माइनस के शेयर्स में कुछ लाभ हुआ है। अप्रैल में टेरा वुल्फ के शेयरों में लगभग 30% की गिरावट आई है, जबकि डीजी होस्ट DGHI में 18% की गिरावट देखी गई है। गेंस और लॉसेस के बीच क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव देखने मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हाल ही में मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स के बीच नुकसान सहने वाले स्टॉक्स में ज्यादा कमाई की संभावना देखी। वही बिटकॉइन ने $39,000 के करीब ट्रेड किया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडेक्स ने लगभग 0.2% ऊपर ट्रेड किया, जबकि ब्रॉडर मार्केट S&P इंडेक्स शुरुआती ट्रेड्स में 0.5% ऊपर देखा गया। वही कंपनीज की भविष्य की कमाई क्षमता को लेकर आशावाद के बीच टेक हेवी नैस्डैक इंडेक्स ने भी 0.5% की बढ़त देखी। कुछ इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और राइजिंग इन्फ्लेशन से प्रेरित होकर अमेरिका 2023 तक मंदी की चपेट में आ जाएगा। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 0.5% की बढ़त के साथ $39,000 पर ट्रेड कर रहा था। इथर को उसी समय के दौरान थोड़े बदलाव के साथ $2,800 के पास ट्रेड करते देखा गया, जबकि दूसरे सभी मेजर ऑल्टकॉइंस गिरावट के साथ ट्रेड करते देखे गए। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि ये क्रिप्टो स्पेस में गहराई तक जाने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में रियल एसेट्स के टोकन को एक्सप्लोर कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स में डिजिटल एसेट्स के ग्लोबल हेडर मैथ्यू मैकडर्मॉट ने एक असेंबली में बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में NFT को एक्सप्लोर कर रहा था। गोल्डमैन ने पहले ही 2021 में इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन डेरिवेटिव्स की पेशकश करके क्रिप्टो में गोता लगाया है और इस साल मार्च में डिजिटल एसेट फाइनेंशियल कंपनी गैलेक्सी डिजिटल के साथ अपना पहला काउंटर क्रिप्टो ट्रेड किया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।